हे दोस्तों, मैं अंकित जसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आज के लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये जो आज की मशीन है ये एकदम यूनिक और अलग मशीन है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है। अगर आप इस मशीन को लगाते हैं तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी और बहुत सारा पैसा आप इनकम कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये मशीन का नाम है लिक्विड सेपरेटर। तो आजकल क्या हो रहा है कि जिन्होंने मुर्गी फार्म खोल रखा है उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि जो मुर्गी का वीट होता है यानी कि जो मलबा होता है उसकी वजह से आसपास में बहुत सारा गंदगी फैलता है, बहुत सारे स्मेल आती है, जिसकी वजह से बहुत जो आजू बाजू में गाँव या फिर कस्बे हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और वो पोल्ट्री फार्म वालों को बोल रहे हैं या फिर अपना पोल्ट्री फार्म बंद करो या फिर ये बदबू यानी कि गंदगी हटाओ। इसके अलावा जो हमारी सरकार है वो भी एक्शन ले रही है कि गंदगी ना फैलाओ, मतलब एक साफ़ सुथरा देश बनाओ, उसकी वजह से भी उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसी सब को देखते हुए ये मशीन जो है बनाई गई है। ये मशीन कुछ इस तरीके से काम करती है दोस्तों। मशीन ये लिक्विड जो होता है, जैसे कि जो मुर्गियों की वीट होती है, जो इनकी जो चिकन की वीट होती है, जो गंदगी होती है उसमें जो बहुत सारा मॉइस्चर होता है यानी कि लिक्विड होता है, उसी की वजह से ये गंदगी फैलती है। तो ये मशीन कुछ इस तरीके से काम करते है। जब इस मशीन को आप लगाएंगे तो ये क्या करेगी, लिक्विड को हटा के उसके बाद उसमें जो मतलब जो इसमें एक सॉलिड यानी कि जो सॉलिड मटेरियल निकलता है उसको हम इस्तेमाल में भी लेके आ जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो है एक ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी बन जाता है, इसीलिए आप इसमें डबल तरीके से मुनाफा कर सकते हैं। पहला नंबर तो आपका हो गया कि आपने एक मुर्गी का जो वीट था उसको सेपरेट कर लिया, आपकी कोई पोल्यूशन नहीं कर रहे, कोई गंदगी नहीं फैला रहे। उसके बाद जो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप बना लेंगे, इसको आराम से आप मार्केट में 10 से 15 रुपये 20 रुपये किलो में बहुत आसानी से बेच सकते हैं। इसमें से आप में से बहुत सारे लोग क्या करेंगे, पूछेंगे कि ये कहाँ पर सेल होगा और कैसे सेल होगा, कौन खरीदेगा। तो सिंपल भाषा में कहूं तो यहां पे जो आपके आजू बाजू में जो पेड़ पौधे वाले उगाने वाले नर्सरी वाले जो पेड़ पौधे उगाते हैं वो बहुत आसानी से आपके यहाँ से ऑर्गेनिक ये जो खाद होते हैं फर्टिलाइजर होता है खरीद लेते हैं। इसकी वजह से उनकी खाद पदार्थ जो है ज़्यादा तेज़ी से यानी कि जो भी लोग उगाते हैं बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसके अलावा आसपास में जो फार्मर हैं जो फार्मिंग करते रहते हैं, छोटे मोटे जो फार्मर होते हैं जो आलू वगैरह या फिर ऐसी चीज़ें उगाते हैं, वो लोग भी बहुत आसानी से इसको ले लेते हैं। लेने के बाद अपने खेतों में डाल के एक अच्छा ऑर्गेनिक खाद डाल के जो है खेत में ज़्यादा उपजाऊ बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अगर आप कंपनी से कॉन्टेक्ट करते हैं तो कंपनी आपको कुछ दवाइयां बताएगी जो कि आपको इस फर्टिलाइजर के अंदर मिलाना है, और ये बहुत अच्छी तरीके से इसमें कुछ मतलब और अच्छा तरीके से ये वर्क करने लग जाएगा। जो फर्टिलाइजर होगा बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में चेंज हो जाएगा और अच्छी तरीके से काम करने लग जाएगा। तो इसमें आप दोनों तरीके से पैसे कमा सकते हैं। पहला नंबर तो आपकी इनकम डबल हो जाती है, यानी कि इस तरीके से भी पैसा कमा सकते हैं। और दूसरी तरफ आपने एक पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे आप एक अच्छा काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा आसपास में देख रहे होंगे जो बड़े बड़े तवेले होते हैं, जो डेरिया होती हैं या फिर जिन्होंने मल्टीपल बहुत सारा भैंसे वगैरह पाल रखी हैं, उनकी वीट भी यानी कि जो गोबर वगैरह होता है उससे भी फर्टिलाइजर बहुत अच्छी तरीके से बनाया जा सकता है, यानी कि जो उसका मॉइस्चर होगा इसी मशीन से निकाल के और उसमें से भी जो खाद ठोस पदार्थ होगा उसको फर्टिलाइजर बना के हम मार्केट में सेल करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक ही मशीन से मल्टीपल अलग अलग तरीके से जो है पैसे कमा पाएंगे। आपको ऑर्डर करने के लिए हर मशीन के यहाँ पे नंबर भी लिखा हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी कि आपको ऑर्डर किस तरह से करना है। तो जिस मशीन की हम बात कर रहे हैं उस नाम कैसे करके उसका बता देता हूँ। सबसे पहले बता दूंगा कि इसमें 5 HP की मोटर लगेगी गियर बॉक्स के साथ, और यहाँ से लिक्विड सेपरेट मशीन से पूरा जो मटर है जो अलग हो जाएगा वो यहाँ से गिरेगा। तो उसमें जो डस्ट वाला वाटर है वो नीचे से गिरता है, आप यहाँ पे यहाँ से देख सकते हैं। अभी ये काम कैसे करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बता दूँ ये जो पाइप है ये मड पम्प से कनेक्टेड है, जहाँ पे हमारा मैनुअल पड़ा होगा वहाँ पे हमारा मड पम्प होगा, और वो मड पम्प से जो कनेक्टेड पाइप रहेगा वो मैंने पाइप के नीचे वाले हिस्से से लगवाएगा, जहाँ से मटर पासिंग होके टैंक में जाएगा, और यदि उसमें मटर की मात्रा काफ़ी बढ़ गई तो मटर ऊपर से निकल आके वही टैंक में चला जाएगा जहाँ से हम लोग मटर रिसीव कर रहे हैं। ये होने के बाद जैसे मटर जाता है तो वहाँ पे उसका पानी जो है डस्ट वाला वाटर वो पूरा नीचे से निकल जाएगा,
जो आपको काम आने वाला नहीं, आप कोई भी खुले मैदान में छोड़ देंगे तो ना ही स्मेल का प्रॉब्लम होगा, ना ही मक्खी वगैरह का प्रॉब्लम होगा। जैसे धूप आता रहेगा वो मटर मट्टी में मिक्स हो जाएगा। फिर आगे बता दो मटर गिरेगा कहाँ से, तो मटर यहाँ से गिरता है, स्प्रिंग के प्रेशर से पूरा पानी वगैरह जो है वो यहीं से निकल जाएगा। वो मटर जो है वो इस तरह से यहाँ से निकलता है, आप ये गैप देख सकते हैं, यहाँ से मटर निकल सकते हैं। और मैं आपको मटर भी दिखा सकता हूँ किस तरह से, ये अभी बारिश के लिए आधे एक घंटे पहले, इसके लिए मटर ऐसा है, अदरवाइज मटर इससे भी अच्छे निकले थे जिसमें पानी नहीं रहेगा। अभी मैं आपको इसको प्रेस करके भी बता देता हूँ, देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं देख सकते हैं। उसके बाद मट पम्प मैंने आपको दिखाया नहीं अब तक, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ डेमो के लिए मैंने अलग से एक टैंक लगाया है जिसमें मैंने मट पम्प डाल के रखा है। थोड़ा जूम कीजिएगा कैमरा से, ये 4 HP का मोटर है जो मट पम्प से कनेक्टेड है, इसमें वो पाइप लेगा इनपुट जो मटर मशीन के पास लेके जाए। और मटर आप देख सकते हो इसमें थोड़ा बहुत फ्रेश वाटर डालना पड़ रहा है क्योंकि मटर काफी गाढ़ा होगा तो मट पम्प से मशीन के तरफ कोई ट्रांसफर ही नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने मशीन चालू कर दी है, सबसे पहले मैंने पंप चालू किया है, तो आगे हम देख सकते हैं कैसे डिवॉल्विंग हो रहा है। पंप से मटर डायरेक्टली जा रहा है मशीन की तरफ, यहाँ से मटर जा रहा है, और यहाँ से अगर ओवरफ्लो हुआ तो यहाँ से मटर निकलता है। ओवरफ्लो अभी तो हुआ नहीं, तो उसमें मटर नहीं निकलता है। अब यहाँ से देख सकते हैं कैसे मटर बाहर आ रहा है। तो आप मशीन चालू कर दिए, आप देख सकते हो आउटपुट किस तरह से आ रहा है और मटर किस तरह से आ रहा है, आप देख सकते हो। इसमें एक बूंद तक पानी नहीं आ रहा है, ना ही मेरा हाथ गीला हुआ। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से मटर आ रहा है, जो फ्रेश गिर रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मटर आप देख सकते हो, आप ये सोचते रहेंगे कि इसमें प्रोडक्शन कम आ रहा है, तो गाइस मैं आपको बता दूँ ये बस एक डेमो है, हमने इसमें एजिटेटर वगैरह कुछ नहीं लगाया। हालांकि जब हम बड़ा टैंक बनाएंगे जहाँ पे मैनुअल डम करेंगे, जहाँ पे हमको पंप डालना है वहाँ पे एजिटेटर लगाना कंपलसरी है। एजिटेटर के अगर हम लगाते हैं तो उससे फायदा यह होगा कि उसका जो प्रोडक्शन है एक घंटे में 700 से 800 KG प्रोडक्शन होकर निकलेगा। आप देख सकते हो किस तरह से फ्लो आ रहा है, इसमें एजिटेटर नहीं लगाया, मैनुअली मटर को मिक्स किया है, तो इतना मटर आ रहा है कि एजिटेटर लगाने के बाद कम से कम 700 से 800 KG एक घंटे में मैनुअल इस तरह से आपको इसका प्रोडक्शन देगा। तो आई होप गाइस कि आपने सारा चीज समझ में आ गया। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है या और भी ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस नंबर पे जाइए और कॉन्टेक्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा जानकारी लीजिए और मशीन को इस्तेमाल करने में ले आ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।